नकदी की समस्या से जूझ रहा पाकिस्तान 20 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के नए नोट जारी करने वाला है। ये फैसला पाकिस्तानी सरकार ने नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए उठाया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर नए नोटों को एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स के साथ जारी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि करेंसी सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन को भी अपडेट किया गया है। ये भी बताया कि इस कदम का लक्ष्य पाकिस्तान की मौद्रिक प्रणाली, कारोबार और नागरिकों के बीच विश्वास पैदा करना है। गवर्नर ने कहा कि नए नोटों को पुराने नोटों की जगह धीरे धीरे करके चलन में लाया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक एसबीपी 2005 से बैंक नोट जारी कर रहा है, जिसकी शुरुआत 20 रुपए मूल्य वर्ग से होती है। उसके बाद 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए और 5000 रुपए के नोट आते हैं। अब इन्हीं नोटों को नए फीचर्स के साथ जारी किया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ तालमेल बैठाने और पाकिस्तानी रुपए की वित्तीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इन बैंक नोटों में कई तरह की सुरक्षाओं को रखा गया है ताकि बाजार में नकली नोट इसे रिप्लेस नहीं कर सके। जैसे 5000 के नोट में एक धागा दिया जाता है जो बैंगनी प्रकाश के तहत पीले और नीले फ्लोरेस्ट बैंड के रूप में दिखाई देने लगता है। नए नोटों में एडवांस फीचर्स, वहीं 1000 रुपए के नए नोट में बारीक विंडो सिक्योरिटी पट्टी होगी जिसमें 1000 रुपए मूल्य वर्ग दिखाई देगा। इसकी कोई भी नकली नोट को आसानी से पहचान सकेगा और बाजार में नकली नोट नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा इन नोटों में इंट्रेगेलियो प्रक्रिया का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे स्कैनिंग या फोटोकॉपी के माध्यम से सटीक नोट नहीं निकाले जा सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या पाकिस्तान में नोटबंदी भी होगी। विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था काले धन के अवैध उपयोग से प्रभावित है, जो उच्च मूल्य वर्ग के नोटों के व्यापक प्रसार के कारण होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के सोहेल फारूक ने कहा कि पाकिस्तान के करेंसी सिस्टम की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सही कदम है, लेकिन क्या इसमें नोटबंदी भी शामिल होगी, ये देखना होगा। उन्होंने कहा कि अगर नए नोट इसमें शामिल होंगे तो प्रचलन में विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ेगी।